नेक्स्ट नाइन न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ मेघा। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे को इस बात की उम्मीद थी कि चुनाव आयोग में जो लड़ाई चल रही है चुनाव चिन्ह की, ये लड़ाई शिंदे गुट जीत जाएगा। कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद लगाकर एकनाथ शिंदे बैठे थे कि चुनाव आयोग का फैसला उनके पक्ष में होगा और शिवसेना का चुनाव चिन्ह उन्हें मिल जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने ये सपना पूरी तरह से तोड़ दिया। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने साफ साफ चुनाव आयोग के फैसले पर लगी रोक को आगे बढ़ाया है। सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने कोर्ट में शिंदे गुट का पक्ष रख रहे वकील ने कहा कि चुनाव आयोग को फैसला सुनाने दें, चुनाव आयोग को चुनाव चिन्ह पर फैसला लेने दें, चुनाव आयोग के फैसले पर रोक ना लगाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इन जजों ने चुनाव आयोग को फैसला लेने से अभी भी रोके रखा। चुनाव आयोग के सामने किसी तरह की कोई बाधा को दूर नहीं किया और ये भी कह दिया है कि जो भी फैसला लेना है वो सुप्रीम कोर्ट के 5 जज लेंगे और उसके बाद चुनाव आयोग को फैसला लेने की इजाज़त दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने 27 तारीख निर्धारित की है। 27 सितंबर को मालूम पड़ेगा कि कौन किस पर हावी महाराष्ट्र में पड़ेगा और शिवसेना पर किसका हक होगा। अब ये आगे आने वाले वक्तों में पता चलेगा कि इस बड़े झटके से शिंदे गुट कैसे लड़ेगा। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।